पैरवी कर दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर। जनपद बलरामपुर में दिनांक 29 सितंबर 2020 को थाना गैसड़ी में हुई घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था और आज उनको जेल रवाना कर दिया गया। आज प्रातः जिलाधिकारी बलरामपुर व पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर के महंत मिथिलेश नाथ योगी जी के साथ पीड़ित परिजन के घर जाकर उनको सांत्वना दी। उनको पुलिस द्वारा दी गई त्वरित कार्रवाई और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में अवगत कराया गया। पूरी विवेचना को शीघ्र निस्तारित करवाकर अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के द्वारा सजा दिलवाई जाएगी। पीड़िता के परिजनों को महंत जी के हाथों से 6,18,750 रुपए की मुआवजा राशि का अनुमति पत्र प्रदान किया गया। ये मुआवजा राशि आज ही दोपहर तक विधिक प्रक्रिया पूर्ण करके पीड़िता के माता के बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। रमेश कुमार यादव, ब्यूरो चीफ बलरामपुर। रामपुर के थाना गैसड़ी में कल एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक लड़की के भाई ने तहरीर दी थी और उसने ये आरोप लगाया कि उसकी बहन के साथ में दो अभियुक्त हैं, जिनका नाम दिया उसने शाहिद और साहिल। इन दोनों लोगों ने लड़की के साथ रेप किया और उसके बाद उस लड़की की जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, उसको रिक्शे से उन लोगों ने घर भेज दिया। और परिजनों का ये कहना है कि जब हम लोग अस्पताल ले जा रहे थे लड़की को, तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए इसके अंदर अभियोग इसमें पंजीकृत किया, हत्या का और गैंगरेप का। और इसमें पुलिस ने आगे छानबीन की इसमें, और दोनों जो अभियुक्त इसमें थे, शाहिद और साहिल, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद उन लोगों को आज जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही कुछ मीडिया चैनल्स में ऐसी खबर चल रही थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि जो पीड़िता है उसके हाथ पैर और कमर तोड़ दिए गए थे, तो ऐसा पोस्टमार्टम में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। इस संबंध में हम लोग आगे छानबीन कर रहे हैं, ऐसी कोई भी पुष्टि पोस्टमार्टम में नहीं हुई है। आज प्रातःकाल जिलाधिकारी बलरामपुर महोदय के साथ में हम और यहाँ पर तुलसीपुर में एक देवी पाटन मंदिर है, वहाँ के महाराज जी के साथ में हम लोग पीड़ित परिवार के घर पे गए, उनके परिजनों से बात की। उनके परिजनों को पुलिस ने जितनी भी कार्रवाई की है उससे अवगत कराया है कि जो दो इसमें अभियुक्त थे, शाहिद और साहिल, उनको पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ इसमें हम लोग बहुत ही सघनता से, बहुत ही गहराई से इसमें छानबीन करवाएंगे और इस केस को हम लोग अच्छे से प्रोसिक्यूशन पैरवी करवा करके इसमें जो मुलजिम हैं, जो दोषी हैं, उनको हम लोग सजा करवाएंगे। जो पुलिस की कार्रवाई थी उससे पीड़ित पक्ष जो था वो काफ़ी हद तक संतुष्ट नज़र आया, और जो शासन की तरफ से मुआवजा राशि दी जानी है उसका जो अनुमति पत्र था, लगभग 6 लाख रुपए की मुआवजा राशि थी, वो उनके परिजनों को दिया गया है। और आज दोपहर तक परिजन जो मृतका की माता हैं उनके अकाउंट में वो मुआवजा राशि आ जाएगी। शेष जो विधिक प्रक्रिया है उसको हम लोग शीघ्र निस्तारित करवा करके आगे जो उनको मुआवजा मिलना है वो भी दिलवाएंगे। इसके साथ ही परिजनों से ये भी बात की गई कि उनको हम लोग जनपद स्तर से और शासन स्तर से और भी जितनी सहायता हो सकती है हम लोग उनको दिलवाएंगे और इस पूरी प्रक्रिया को पूरी अच्छे से इसकी विवेचना करवाएंगे। इसके लिए जिला, इसके लिए अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को इसमें विशेष रूप से लगाया गया है और उन्होंने कई सारी टीमें गठित करके इसकी त्वरित विवेचना निस्तारित करने के लिए आगे